नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का एक बार फिर से चाणक्य नीति के एक और ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के अनुसार बताएंगे कि किस नाम वाली महिला होती है चरित्रहीन। यह महिला में कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो कि अशुभ होते हैं, तो दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, भारत में स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है। यह बात और है कि इस देवी के साथ हमारा समाज क्या सुलूक करता है, वह भी हम जानते हैं। लेकिन यहाँ बात सामाजिक दृष्टिकोण से थोड़ा हटकर है। वैसे तो प्राकृतिक ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और ममत्व के भाव कूट कूट कर भरे हैं। ये सब भावनाएं हर महिला में समान रूप से देखी भी जाती हैं, लेकिन जिस तरह हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह हर स्त्री ममता की भी मूर्ति हो यह भी जरूरी नहीं है। दोस्तों, हमारा समाज स्त्री को परिवार की इज्जत मानता है और बहुत हद तक स्त्री को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वह अपने परिवार और कुल के नाम पर कोई आंच ना आने दे। जिस तरह महिलाएं कुल की लाज बचाने का काम करती हैं, अपने नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती हैं, वही कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिनके कृत्य कुल के विनाश का कारण बनते हैं। ऐसी स्त्रियों को सामाजिक भाषा में कुलछिड़ी कहा जाता है। ऐसी महिलाओं की पहचान सामान्य तौर पर करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि उन्हें जान ना लिया जाए। लेकिन भारत के प्रसिद्ध ग्रंथ बृहत संहिता के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिनसे स्त्री के चेहरे मोहरे को देखकर ही उसके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। स्त्री के चेहरे और उसके शरीर पर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उसे लक्ष्मी का स्वरूप नहीं बल्कि कुल लक्ष्मी करार देते हैं। बृहत संहिता और चाणक्य नीति के अनुसार ऐसी स्त्री जिसके पैर की कनिष्ठिका उंगली या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श ना करती हो, अंगूठे के साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज्यादा लंबी हो, तो ऐसी स्त्री हालात और स्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती है। दोस्तों, ऐसी महिलाएं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव की होती हैं और उन पर नियंत्रण स्थापित करना बहुत कठिन होता है। इनके चरित्र पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता है। जिन महिलाओं के पैर का पिछला भाग काफी मोटा और उठाव लिए होता है, उस भाग की नसें उभरी होती हैं, ऐसी महिलाएं घर के लिए शुभ नहीं होती हैं। इनके उलट अगर पांव का यह भाग मांसहीन सूखा हो तो ऐसी महिला अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करती है। मित्रों, स्त्री के पेट अगर घड़े की तरह होता है तो वह महिला ताउम्र गरीबी और दरिद्रता के हालातों से गुजरती है। पेट का अधिक लंबा गड्ढेदार होना भी अशुभता की ही निशानी होती है। ऐसी महिलाएं जिनका ललाट यानी माथा लंबा होता है तो वह अपने देवर के लिए अशुभ होती हैं। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है तो वे अपने ससुर और जिनका कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है वह अपने पति के लिए अशुभ होती हैं। मित्रों, जिन महिलाओं के होंठों के ऊपर वाले भाग में अधिक बाल होते हैं, जिनका कद बहुत लंबा होता है, ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ साबित होती हैं। ऐसी स्त्रियां जिनके कानों में बहुत बाल होते हैं, उनका आकार असमान होता है, तो ऐसी स्त्रियां घर में क्लेश की वजह बनती हैं। मोटे लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, तो ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। मसूड़ों का काला होना भी स्त्री के दुर्भाग्य की ही निशानी है। अब मित्रों, आइए जानते हैं कौन से नाम वाली स्त्री होती है अशुभ। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि के नाम वाली लड़कियां बहुत ही चंचल और चालाक होती हैं। के नाम वाली लड़कियों से भूलकर भी किसी को शादी नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति ऐसी लड़कियों से शादी करता है तो उसके जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं आती है, क्योंकि मित्रों, हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार के नाम वाली लड़कियां बहुत ही अशुभ मानी जाती हैं। इसीलिए दोस्तों, आप भूलकर भी ऐसी महिला से कभी शादी मत करना।